बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज के थंबनेल से तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है सुजुकी GS150 GD110 GR150 बाइक के ब्रेक शू के ऊपर है कि कौन से ब्रेक शू इनमें सही चलते हैं और कितने कितने के ये ब्रेक शू आपको मार्केट से मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेक शू दिखा रहा हूँ, नेक्स प्रीमियर के नाम से ये ब्रेक शू हैं और ये चाइना के ब्रेक शू हैं और ये मार्केट में आपको जो है लेदर लेदर प्राइजेज में ये ब्रेक शू मिलेंगे। ये ब्रेक शू का मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। सबसे ये आप देख सकते हैं कि ये इनका ब्रेक शू का लेदर जो है बड़ी ही नफासत से जो ये लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये ब्रेक शू चाइना के हैं। अगर ये ब्रेक शू इधर के लोकल ब्रेक शू हों तो ये इसका लेदर जो है इतनी साफ़ सफाई से नहीं लग सकता। और ये वाले ब्रेक शू जो हैं आपको मैक्स प्रीमियर के नाम से ये ब्रेक शू हैं, मार्केट से तकरीबन आपको 600 रुपये से 700 रुपये की रेंज तक ये वाले ब्रेक शू मिल सकते हैं। इन ब्रेक शूओं का ये बेनिफिट है कि आप आपके पास अगर सुजुकी GS150 बाइक है तो अगर उसमें ब्रेक की आवाज़ है तो ये वाले ब्रेक शू आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, आपकी बाइक में ब्रेक की आवाज़ नहीं आएगी। ये वाले ब्रेक शू आप जो है सुजुकी GR150 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेक शू अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये भी चाइना के ब्रेक शू हैं और ये शोंग नाम से ये ब्रेक शू हैं और ये इनका लेदर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में लेदर है। लेदर में ब्रेक शू लेदर में ये जो ग्रीन कलर का लेदर होता है ये सबसे बेस्ट लेदर है। और ये ब्रेक शू भी सुजुकी GS150 GD110 और सॉरी सुजुकी GS150 GR150 बाइक में बड़े ही बेहतरीन चलते हैं, बल्कि आप ये सुजुकी GX125 में भी ब्रेक शू ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्रेक शू भी आपको तकरीबन 600 से 700 रुपये की रेंज में मार्केट में मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि मार्केट में इस पैकिंग में जो है लोकल ब्रेक शू भी आए हुए हैं जो कि आपको 450 से 500 की रेंज में मिलेंगे, लेकिन उनके लेदर का फ़र्क होगा। लेदर उनका ग्रीन नहीं होगा, लेदर उनका होर होगा। लेकिन अगर आप अपनी बाइक में जो है ब्रेक की आवाज़ से परेशान हैं तो आप अपनी बाइक में ये वाले ब्रेक शू भी डाल सकते हैं। सुजुकी GS150 में जो है पिछली ब्रेक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी बाइक में जेन्युइन ब्रेक शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अलॉय रिम गाड़ी में जेन्युइन ब्रेक शूज़ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसीलिए आप अपनी बाइक में जो है ये ब्रेक शू भी डाल सकते हैं। ये आपको मार्केट से 600 से 700 की रेंज में मिल जाएंगे। हैं जी अगले ब्रेक शू, ये चाइना के भी ये ब्रेक शू हैं और सुजुकी GR150 में मैं ये वाले ब्रेक शू इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो कुछ लोग सुजुकी GS में भी ये ब्रेक शू डाल लेते हैं क्योंकि हब का साइज सेम होता है। जेन्युइन ब्रेक शू अगर आप सुजुकी GR150 के लेते हैं तो वो आपको तकरीबन मार्केट से मिले वो आपको किसी भी शोरूम से मिलेंगे तकरीबन 4000 रुपये के, लेकिन ये वाले ब्रेक शू आपको 1000 से 1200 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। हू बहू जेन्युइन की कापी है ये ब्रेक शू। और जेन्युइन ब्रेक शू में यह फ़र्क होता है कि इस जगह पर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर इसकी कीमत लिखी होती है, बाकी ब्रेक शू तकरीबन इसी तरह के ही होते हैं। और मार्केट में ये वाले ब्रेक शू आपको 1000 से 1200 की रेंज में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी बाइक में सुजुकी GR150 में ब्रेक शू डलवाना चाहते हैं तो ये ब्रेक शू आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेक शू बड़े ही बेहतरीन चलते हैं और मैं इधर तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त ब्रेक शू हैं ये वाले। दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ, सुजुकी GD110 के लिए हैं ये ब्रेक शू, मित्सुबिशी कंपनी के ये ब्रेक शू हैं। अपने दोस्तों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि सुजुकी GD110 में जो है आप होंडा सिटी 70 या होंडा 125 के भी पीछे वाले होंडा 125 के भी पिछले ब्रेक शू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्सुबिशी के ब्रेक शू आपको मार्केट से तकरीबन 800 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं जो कि सिटी 70 बाइक में इस्तेमाल होते हैं, तो आप सुजुकी GD110 में ये ब्रेक शू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ब्रेक शू बड़े ही ज़बरदस्त चलते हैं। और ये आप किसी भी 70 वाली शॉप पर जाकर इन ब्रेक शूओं का आप पूछ सकते हैं, ये मेड इन जो है ये ताइवान के ये ब्रेक शू हैं, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। सुजुकी GD110 में अगर मैं जेन्युइन के बाद कोई ब्रेक शू रेफर करता हूँ ये 600-700 की रेंज में, तो मैं ये मित्सुबिशी के ब्रेक शू कहता हूँ कि आप अपनी बाइक में ये ब्रेक शू बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। अगर आप इससे सस्ते ब्रेक शू डालना चाहते हैं तो ये फिर सिटी 70 का ही टच का ब्रेक शू आ जाता है,
ये आपको जो है मार्केट से तकरीबन 300-350 की रेंज में मिल जाता है। और इसका भी आप देख रहे हैं कि ये लेदर जो है ग्रीन कलर में लेदर है, बड़ा ही अच्छा लेदर है। और ये ब्रेक शू भी आप अपनी सुजुकी GD 110 में इस्तेमाल कर सकते हैं 350-400 की रेंज में। लेदर लेदर प्राइजेज होते हैं ब्रेक शू के, लेकिन ये ब्रेक शू भी बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ मैं वो ब्रेक शू रिव्यू कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो बड़े ही बेहतरीन चलते हैं। अगले ब्रेक शू हैं जी, ये पत्ते वाले ब्रेक शू हैं, सुजुकी GD 110 के हैं जी। 1000 रुपये के ये ब्रेक शू हैं। और जैनमन के बाद अगर कोई ब्रेक शू मैं रेफ़र करता हूँ तो ये वाले ब्रेक शू रेफ़र करता हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त ये ब्रेक शू चलते हैं। जैनमन की हुआ हुई इन्होंने कापी बनाई है। जैनमन के सिर्फ इस जगह पर स्टिकर लगा होता है। तो जैनमन ब्रेक शू जो हैं इसके तकरीबन 3600 रुपये के हैं। ये वाले ब्रेक शू आपको 1000 रुपये के मार्केट से ईजिली मिल जाएंगे। सुजुकी GS 150 के जो ओरिजिनल ब्रेक शू हैं उनकी कीमत है जी तकरीबन 700 रुपये के ब्रेक शू हैं। और ये अभी आजकल ये ब्रेक शू शॉर्ट हुए हैं, लेकिन जो इन ब्रेक शूओं की भी ग्रिप है वो बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रिप इन ब्रेक शूओं की बनती है। लेकिन सुजुकी GS 150 जो इनका SC मॉडल है उसमें अगर आप ये ब्रेक शू डालते हैं तो इन ब्रेक शूओं की जेन्युइन ब्रेक शू की उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आप अपनी बाइक में ब्रेक की आवाज़ से परेशान हैं तो कोशिश करें कि जैनमन के अलावा कोई और ब्रेक शू आप इसमें इस्तेमाल करें। चाइना के ब्रेक शू इस्तेमाल करें, होंडा डिलेक्स के ब्रेक शू आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करने। उसकी एक ये वजह है कि ये होंडा डिलेक्स के जो ब्रेक शू हैं वो हब के साइज से थोड़े से छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक जो है आवाज़ करना शुरू कर देती है। बाकी आजकल जो सुजुकी के मॉडल आ रहे हैं उसमें आप जैन ब्रेक शूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़े ही ज़बरदस्त चलते हैं। उनके साथ अगली जो ये मैं आइटम शेयर कर रहा हूँ सुजुकी GS 150 का गराड़ी सेट है, चोहो कंपनी का गराड़ी सेट है। ये गराड़ी सेट आपको सुजुकी GS 150 में मिल जाएगा, GD 110 में भी मार्केट से मिल जाएगा। सुजुकी GD 110 का जो ये गराड़ी सेट है तकरीबन 3000 रुपये का है और GS 150 का भी ये गराड़ी सेट 3000 रुपये का है। बड़ा ही बेहतरीन चलता है। इसका जो अपना गराड़ी सेट है वो तकरीबन 5500 रुपये का हो चुका है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त शॉर्ट है। तो हर इंसान का, हर दुकानदार का एक अपना रेट है, लेकिन आप अपनी बाइक में ये चोहो का भी गराड़ी सेट डलवा सकते हैं। ये भी तकरीबन 20000 किलोमीटर बड़े ही सुकून से चलता है। इसके बाद अगला गराड़ी सेट मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी, STR कंपनी का ये गराड़ी सेट है, सुजुकी GS 150 का ये गराड़ी सेट है। और इस गराड़ी सेट की जो मार्केट प्राइस चल रही है ये तकरीबन 4000 रुपये का ये गराड़ी सेट मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको तकरीबन 4200 रुपये का ये गराड़ी सेट मिल जाएगा। लेकिन इस गराड़ी सेट की एक ये क्वालिटी है कि ये मैं जैनमन के मुकाबले में ये गराड़ी सेट चला रहा हूँ। जैनमन गराड़ी सेट इसका तकरीबन 5500 रुपये का है। ये गराड़ी सेट मार्केट से आपको तकरीबन 4000 से 4500 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन 25 से 30000 किलोमीटर ये गराड़ी सेट बड़ा ही बेहतरीन चलता है। आपकी गाड़ी बेशक लोकल चलती है या आप अपनी बाइक टूर पर चलाते हैं, लॉन्ग टूर पर बाइक को लेके जाते हैं, तो ये गराड़ी सेट आप अपनी बाइक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दूंगा कि अगर आपकी बाइक में गराड़ी सेट का इशू है तो कोशिश करें कि अच्छे गराड़ी सेट की तरफ ही जाएं। हल्के गराड़ी सेट की तरफ आप जाएंगे तो वो तकरीबन 5 से 6000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी सेट जो है फारिग हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी बाइक में अच्छे गराड़ी सेट का ही इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। भाई को तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी मानिल्लाह।